पिछले 3.5 साल से कोरोना वायरस का खौफ अभी दुनिया भुला नहीं पाई कि इसी बीच इस खतरनाक महामारी ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। दरअसल केरल में कोविड का नया सब वेरियंट JN.1 मिला है। इस नए वेरियंट से 17 दिसंबर को 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी में भी कोविड पॉजिटिव शख्स की जान चली गई। हालांकि ये पता नहीं चला है कि ये मरीज JN.1 वेरियंट से संक्रमित था या नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में रविवार को 335 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए और एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1701 हो गई। कोरोना का नया सब वेरियंट सामने आने पर केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट रहने और टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी है। उधर कर्नाटक सरकार ने 60 साल के ज़्यादा उम्र के उन लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है जिन्हें बुखार, कफ और खांसी आ रही है। हालांकि केरल में स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ एहतियाती कदम उठाना जरूरी है ताकि इस वायरस के प्रचार के जोखिम को जितना हो सके उतना कम किया जा सके। इस एडवाइजरी में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के जिलेवार आंकड़ों पर नजर रखें, साथ ही नियमित तौर पर इस संबंध में अपडेट करते रहें। का ये मामला 8 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में सामने आया था, जब 79 साल की एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के हल्के लक्षण थे, हालांकि बाद में वह कोविड-19 से ठीक हो गई थी। इससे पहले सिंगापुर से लौटे तमिलनाडु के एक शख्स में भी JN.1 सब वेरियंट का पता चला था। वह व्यक्ति तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले का रहने वाला था और उसने 25 अक्टूबर को सिंगापुर की यात्रा की थी। आपको बता दें, देश में कोरोना मामलों की कुल संख्या 4.5 करोड़ के पार हो गई है। वहीं वायरस से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4.4 करोड़ हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट 98.81% है। अब तक भारत में कोविड-19 से 5,00,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर देश में कोविड-19 वैक्सीन की 220.67 करोड़ डोज लोगों को दी जा चुकी है।